हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय संकट समिति की टीम ने यह जंग छेड़ दिया है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के लिए रास्ता रोको जैसे बड़े आंदोलन को शुरू कर दिया है। अब राष्ट्रीय संकट समिति का कहना यह है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से आप उच्च पेंशन की राशि दिला सकते हैं, क्योंकि जो उनका कर्तव्य है, जो उनका अधिकार है, वो राष्ट्रीय संकट समिति के टीम के माध्यम से किया जा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आगे आएं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो कि खबर हैं, जो जानकारियां हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है वो सरकार तक जल्द से जल्द पहुँच सके और सरकार किसी ठोस नतीजे पर पहुँच सके। राष्ट्रीय संकट समिति की टीम ने बहुत सारे नारा दिए हैं, राष्ट्रीय संकट समिति की टीम के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, राष्ट्रीय संकट समिति की टीम के द्वारा भी रास्ता रोको जैसे बड़े आंदोलन को किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय संकट समिति की टीम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, जिसमें राष्ट्रीय संकट समिति की टीम समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों का साथ, सपोर्ट और समर्थन चाहती है। माननीय कमांडर अशोक राव जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों से विशेष निवेदन करते हुए अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो जरूर एक बार जो तो सहमति जताएं और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशनर्स की समस्याओं को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम का सपोर्ट समर्थन करें। इसलिए आपको मैं यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, ताकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की जो सोच है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को आगे तक बताया जा सके, पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जब आप करते हैं चैनल को, तो वो चैनल आगे 10 लोगों तक जाता है एक चैनल सब्सक्राइब करने पे। साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी आवाज़ है, वो भी काफ़ी लोगों तक जाती है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ में वीडियो को साझा करें, ताकि आपकी समस्या जो है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या लोगों तक पहुंच जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या से लोग रूबरू हों। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, और आगे कोई भी जानकारी हमारे पास आती है, कोई भी अपडेट आता है कि कितने बजे से कब और कहाँ कहाँ आंदोलन किए जाएंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।